जय स्वामीनारायण। मैं हूँ डॉक्टर समीर गुप्ता, लेज़र एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। अगर आपको बवासीर है, आपको फिशर है, आपको फिशला है, बगंदर है, आपने सर्जरी करवाई है या सर्जरी नहीं करवाई है, डॉक्टर के पास आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, दिखाने के लिए जाते हैं, कॉमनली हर एक डॉक्टर आपको बोलेगा कि आपको सिट्स बात करना है, गर्म पानी का सेक देना है। इसका मतलब ये रहता है, क्योंकि कई बार हमें बात समझ आती है, कई बार समझ नहीं आती है, और कई बार हम प्रॉपर कर पाते हैं, प्रॉपर नहीं कर पाते हैं सिर्स बात को। तो इसकी पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। सिर्स बात होता क्या है? सिर्स बात का मतलब होता है कि गुनगुना पानी करके हमने उसके अंदर बैठ जाना है, क्योंकि जो बवासीर की, फिशला की और फिशर की प्रॉब्लम रहती है, गुदा के रास्ते में रहती है, तो हमको पानी में बैठ के उसका सेक देना होता है, और उसको हम सिट्स बात बोलते हैं। तो इसकी इंडिकेशन होते हैं किन कंडीशंस में हमें सिट्स बात करना चाहिए। पहली बात यह है कि आपको कब्ज है, लेटने के रास्ते में सोज रहती है, दर्द रहती है, चीरे लग जाते हैं, बवासीर की प्रॉब्लम है उससे पेन रहती है, फिशर है उससे पेन रहती है, फिशला है, एब्सेस है और पेन रहती है, तो पेन को कम करने के लिए हम सिट्स बात एडवाइस करते हैं। दूसरी इंडिकेशन है कि पेशेंट ने एनल एरिया में कोई सर्जरी करवाई है, फिशला की, बगंदर की या और फिशर की या हेमराइड्स की, पाइल्स की, तो हम सिट्स बात एडवाइस करते हैं। इस एरिया में कोई भी इन्फेक्शन हो, पेरिएनल एरिया में, लेटरिन के रास्ते के आसपास, उसमें हम सिट्स बात एडवाइस करते हैं। लेडीज़ में नॉर्मली पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद स्वेलिंग रहती है, उसको कम करने के लिए सिट्स बात एडवाइस करते हैं। ये इंडिकेशंस हैं। इसका बेनिफिट क्या है? क्योंकि अगर हमने सर्जरी करवाई है, उसमें वहाँ पे चीरा लगा हुआ है, कोई कट है, तो नॉर्मल लोगों का क्वेश्चन रहता है कि उसे पानी में हम बैठेंगे तो उससे इन्फेक्शन नहीं रहेगी। ऐसा नहीं रहता है, इसका बेनिफिट रहता है। गुनगुना पानी करने से क्या रहता है कि वहाँ पे हीट जाती है, अंदर तक डीप हीट जाती है, डीप हीट जाने से वो ब्लड वेसल्स की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होते हैं, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने से एक तो हीलिंग वहाँ पे प्रॉपर होती है और जल्दी होती है, अच्छे प्रकार से होती है, और पेन रिलीफ होती है, पेन सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन होने से पेन जो पार्ट है, स्वेलिंग कम होने से पेन काफ़ी रिलीफ हो जाता है पेशेंट को, जो डिस्कम्फर्ट पोस्ट सर्जरी रहता है वो काफ़ी कम हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि पानी में बैठने से, क्योंकि सबसे गंदा एरिया है, तो क्लीनिंग प्रॉपर हो जाती है, तो इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। इसका अगर प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं रहता है। और फिर ये एक प्रश्न ये आता है कि हमने सिट्स बात करना कैसे है, क्या करना है, घर पे हमारे पास सामान रहेगा कि नहीं रहेगा, हमें कोई स्पेशल कुछ लेना है। नॉर्मली आपको जो सिट्स बात का सामान है घर पे ही अवेलेबल हो जाता है। बेसिक चीज़ों को आपको समझना है कि उसको करना कैसे है। नॉर्मली छोटा सा टब, प्लास्टिक का टब कोई भी मिलता है, तो उसमें हम बैठ के सिट्स बात कर सकते हैं। कोई हमें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, 2 से 3 इंच डीप पानी चाहिए जिसके अंदर आप बैठ सकते हैं प्रॉपरली। उस टाइप से हमें एक बर्तन चाहिए, स्टील का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, और उसको ज़मीन पे रखने की बजाय किसी स्टूल पे रखिए। सपोर्ट सिस्टम आपके पास होना चाहिए, उसमें बैठ जाइए ताकि जो गुदा है, लेटरिन का रास्ता है, पानी के अंदर रहे। और कुछ टब्स ये आपको मेडिकल शॉप्स पे भी मिल जाते हैं, जो आपकी जो टॉयलेट सीट होती है उसके ऊपर फिट हो जाता है, उसमें 2-3 इंच पानी, गुनगुना पानी, जो आप हाथ लगाएं तो आपका हाथ जले नहीं, इतना रहना चाहिए, और वहाँ पे नॉर्मली आप बैठ सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन 5 से 15 मिनट तक होती है, जितना आप कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। दिन में एक बार दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, 3 बार दे सकते हैं। सारे इंस्ट्रक्शंस आपको डॉक्टर बताएंगे कि कितनी देर, कितने समय के लिए देना है, और गुनगुना पानी करके और उसके अंदर बैठ जाना है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि उसके अंदर कुछ डालना है या नहीं डालना है। नॉर्मली आप कई डॉक्टर आपको कभी कुछ बोलेंगे कि विनेगर डाल लीजिए, सॉल्ट डाल लीजिए, एंटीसेप्टिक कोई भी सोल्यूशन डाल लीजिए, या पोटाशियम परमैंगनेट आता है वो डाल लीजिए। नॉर्मली हम रिकमेंड नहीं करते हैं। हल्का सा एंटीसेप्टिक बीटाडीन लोशन आता है, उसके 2 ढक्कन थोड़ा 5 से 10 ml डाल सकते हैं। डिटोल थोड़ा सा डाल सकते हैं, हल्का सा। इसके अलावा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ डालते हैं तो आपको क्वांटिटी नहीं पता होती। ज़्यादा डालने से वो स्किन इरिटेशन करता है, बर्निंग करता है, सेंसेशन करता है, ईचिंग करता है, तो नुकसान होता है। नॉर्मली सिट्स बाथ में आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और समय 5 से 15 मिनट रहता है। और सबसे ज़रूरी बात है कि आपको मेंटली रिलैक्स रहना है, जल्दबाजी में ये काम नहीं करना है। जब भी सुबह का समय हो, दोपहर का या शाम का, रात का समय हो, कभी भी आपको प्रॉपर समय मिलता है तो उसी समय आप सिट्स बात कीजिए। सिट्स बात करने के बाद जो एरिया गीला रहता है उसको कोई भी अच्छे टॉवल से, सोकिंग टॉवल से प्रेस करके दबा के उसको
ड्राई कर लेना है। अगर आपने सर्जरी करवाई है, डॉक्टर ऑइंटमेंट दी है लगाने के लिए, तो आप वो लगा सकते हो। अदरवाइज नॉर्मल इरिटेशन केस में आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो, कोई मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वो एरिया ड्राई रहता है। और दो तीन बातों का स्पेशली इसमें ख्याल रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ताकि आप बैठें तो पानी बाहर निकले, थोड़ा आसपास आपका एरिया गंदा हो जाए, ताकि फिर आपको डिस्कम्फर्ट लगता है तो फिर आप करना बंद कर देते हैं। और तीसरी बात है कि इसके अंदर आपको नॉर्मली कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ डालना भी है तो बीटाडीन सॉल्यूशन लोशन मिलता है, वो थोड़ा सा डाल सकते हैं, कि जो दो ढक्कन थोड़े या डिटोल के एक दो ढक्कन डाल सकते हैं, ये सफिशियंट रहता है और इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा रहता है। और एक बात का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है कि आप सिट्स बात कर रहे हैं, आपका पेन बढ़ जाता है, इचिंग बढ़ जाती है, डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है, तो आपने इमीडिएटली सिट्स बात को बंद कर देना है, उसको कंटिन्यू नहीं करना है, अपने कंसर्न डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। तो ये एक प्रॉपर टेक्निक है सिट्स बात करने की। इन सब बातों का ख्याल रखेंगे, आपको गुदा के रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम हुई है या सर्जरी कराई है, तो उसका रिलीफ आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। आप मेरे से कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय स्वामीनारायण।